राजधानी दिल्ली के पास नोएडा में धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ। ये रैकेट पिछले करीब दो साल से बेखौफ होकर चल रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब इसका भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट को चलाने के आरोप में दो मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी। दोनों ही दिल्ली के जामिया नगर के इलाके के रहने वाले हैं। यूपी एटीएस ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। एक बड़ा बड़ा गैंग है जो कि एक सेंटर रन करता है, इस्लामिक दावा सेंटर, और वहाँ के लोग बहुत सुनियोजित ढंग से ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कमज़ोर वर्ग है, मूकन बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर और उनको अपने धर्म के प्रति गलत चीज़ें बताकर और इस्लाम धर्म की अच्छाइयाँ बताकर उनको कन्वर्ट कराते हैं। और बाद में ऐसे लोग, ऐसे भी ये भी चीज़ें प्रकाश में आई है कि ऐसे बच्चे जो मूकन बधिर हैं, उनके घर वालों को भी धमकाया जाता है, और वहाँ यहाँ तक कि उन लोगों ने अभी FIR भी कराने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो उनके दूसरी जगह भी ले जाए गए हैं जिसका उनको पता नहीं है। और पुलिस के मुताबिक अब तक ये हजार से ज्यादा लोगों को अपना टारगेट बना चुके हैं। इनके निशाने पर ज्यादातर महिलाएं और बच्चे होते थे। नौकरी, पैसा और शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। अब तक हम लोगों ने ऐसे हजार लोगों के नाम प्राप्त किए हैं जिनका कन्वर्शन हुआ है, और ये लोग अपना सालाना कॉन्क्लेव भी करते हैं और उसमें भी लोगों को, बाहर के लोगों को बुला के धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित करते हैं। और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें पैसे देने का, नौकरी देने का, शादियों का लालच दे के इस तरह की चीज़ें कराई जाती हैं। जांच में पता चला है कि पकड़ा गया मोहम्मद उमर गौतम पहले हिंदू था, जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। इसके पिता का नाम धनराज सिंह गौतम है। ये लोग बेसिकली दिल्ली के रहने वाले हैं। इसमें से एक आदमी खुद ही धर्म परिवर्तन करके इस कार्य को कर रहा है, और इन सभी ये मूल सूचनाएं जो हैं वो दासना गाजियाबाद में एक मंदिर में लोग छद्म नाम से घुस रहे थे, उनके उनके गिरफ्तारी के बाद से धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई। और ये गाजियाबाद दासना की घटना 2 जून की है। हम लोगों ने इस चीज़ को डेवलप किया, और जो उमर गौतम को बीच में 2-3 बार हम लोगों ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था, और जब आवश्यक हुआ तब इनकी गिरफ्तारी कर की। इस रैकेट में ATS को विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि फंडिंग बड़े पैमाने पर की जा रही थी। पाकिस्तान के ISI से कनेक्शन की जांच भी हो रही है। उमर और उसके साथियों ने धर्म परिवर्तन कराने का काम करने के लिए इस्लामिक दावा सेंटर नामक एक संस्था भी बनाई थी, जिसका पता दिल्ली के जामिया नगर में दर्ज है। ATS के मुताबिक बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। धर्मांतरण के बाद उनकी मुस्लिमों से शादी करा दी जाती है। उसके बाद उन्हें धर्मांतरण और शादी के दस्तावेज तैयार कर धर्म परिवर्तन को अवैध रूप से कानूनी मान्यता भी दिलाते थे। इस मामले में यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि योगी सरकार पहले ही ऐसे मामलों को लेकर अलर्ट थी और इसके लिए कानून भी बनाया। क्योंकि आदरणीय योगी जी लगातार इस विषय पर बहुत गंभीरता से उन्होंने सदन में भी रखा, और हम सब ने मिलकर सदन में जब इसके खिलाफ कानून पारित किया, धर्म परिवर्तन के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, तो विपक्ष ने आवाज उठाई थी। कांग्रेस, सपा, बसपा सब ये जोड़कर चल रहे थे कि नहीं साहब, ये तो हमारा वोट बैंक है, कहां आप ये कानून बना रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ है। लेकिन यही चीजें जो हो रही थी, इसकी चूंकि आदत पड़ी हुई थी इन्हीं लोगों की सरकारों में कि जबरन किसी को या पैसा देकर, प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना, कोई गरीब है तो उसको पैसा देकर कराना, या कोई अगर महिला है उसको ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराना, नहीं करने पर जबरन कराना, ये सारी चीजें थी ना। तो इसलिए कानून लाए हम, क्योंकि हम तो पहले से ही तैयार थे इस बात को लेकर, क्योंकि ये शिकायतें लगातार मिल रही थी, एजेंसियां बता रही थी। पुलिस को शक है कि यूपी ही नहीं देश में कई जगह पर ऐसा ही हो रहा है, जिसकी जांच जारी है। फिलहाल पुलिस उमर गौतम के बाकी सहयोगियों की धरपकड़ में जुटी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।